कोरी इलेवन संघाने के लिए बैटमन मैदान मध्य प्रेक्षक ही मोटा संख्य में उपस्थित है। प्रदीप गरत, दत्तात्रेय पाटिल, दशरथ गरत, शशिकांत गरतर, गणपत पाटिल, रमणीय गरत हे देखी इतने आमसे संपूर्ण स्पर्धे शिल्पकार है। सर्व तरुण मित्र हा स्पर्धे निश्चित यशस्वी करना करता प्रचंड मेहनत घेत है। श्रीकृष्ण मंडल चापेबड़ी बिरातन बुद्रुक प्रेजेंट चापेबड़ी चषक 2022 मे तमाम प्रेक्षक खेलाड़ूं स्वागत करून मैदान मे जाऊ। आघाड़ी से फलंदाज आज मैदान मध्ये आहे। दोन्ही संघांचा इष्ट खेळाडू आमच्या समर्थन कक्षामध्ये असेल। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। परंतु धाडसी निर्णय घेतलाय फील्डिंग करण्याचा। नक्कीच संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहतो प्रशांतजी, जेव्हा खुल्या गडातील व्यावसायिक स्पर्धा तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिलेल्या असतील, संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जो संघ नाणेफेक जिंकतो प्रथम काय निर्णय घेत असेल? तर फलंदाजी। कितीतरी वेळा आपण पाहिलंय, कारण दमट वातावरण असतं आणि बऱ्याचदा एकंदरीत धावा चेस करणं फार कठीण। स्टार्ट ऑफ द मॅच, बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम्स, दोन्ही संघांसाठी आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमधून हार्दिक शुभेच्छा। पहिला चेंडू कवर ड्राइवचा फटका, सौरव गांगुली कॉपी बुक स्टाइल ने चेंडू फार वेगाने दंड 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 करत निघून चाललाय, सणसणीत खणखणीत दणदणीत चौकार। सुंदर तरीके से इस वक्त गेंद को खेलते हुए ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी और दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे। फिलहाल इस वक्त दो खिलाड़ियों के बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ घास को आग लगाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। चौका। इस वक्त शुरुआत योगेश की बहुत अच्छी है, चार के साथ आगाज करते हुए योगेश शॉन मार्क गेंदबाजी करने के दर्शन तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद है, शपल थोड़ा सा शपल हुए थे, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश की गई थी, स्वीप करना चाहते थे, लेग बैक का इशारा इस वक्त कर रहे हैं जाकिर खान। रन संख्या 5 रन, एक बार फिर प्रेम अभी भी खाता नहीं खोल पाए हैं क्योंकि 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नक्कीच खूप चांगली सुरुवात योगेश नरेश वैद्यांना आपण पाहतो एका साईडने, तर दुसऱ्या साईडने प्रेमनाथ मेहर। गेली 15 ते 20 वर्ष या वाढीव बेटाचा एकंदरीत संपर्क संपूर्ण पालघर जिल्ह्याशी तुटलेला असताना देखील त्या गावामध्ये प्रत्येक वर्षी स्पर्धा आयोजित केली जाते आणि प्रत्येक वर्षी संपूर्ण पालघर जिल्हा त्या ठिकाणी खेळायला जातो। इतकं जबरदस्त प्रेम या वाढीव गावावर पालघरकरांचं आत्तापर्यंत राहिलं आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर मिस्टर दर्शन तांडेल पाहायला मिळतोय। इनसाइड आउट जबरदस्त प्रेमनाथ मेहरच्या बॅट मधून निर्णायक उपयुक्त पोषक 4 धावा। क्रैकिंग शॉट, क्रैकिंग शॉट, दोबारा देखे किस तरह से वो खेले हैं। इस पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद में खराबी नहीं थी लेकिन पोजीशन में जल्दी आए थे। सुंदर स्ट्रोक, एक बार फिर ये एंगल में देखे, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, ऑन दी अप गेंद को खेलते हुए कवर के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक प्रेम की तरफ से। प्रेम 4 पर, योगेश 4 पर, रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के दर्शन गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। 4 ओवर का मैच है, पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब आप पड़ाव की बात करें ना तो ये छोटा सा पड़ाव है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजी करने के लिए दर्शन तैयार है। ओ टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद लेकिन काफी दूर से आती हुई, वाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं फिलहाल जाकिर खान। रन संख्या डबल फिगर में 10 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रेम 4 पर खेल रहे हैं, योगेश 4 पर खेल रहे हैं और थोड़ा मिस्टर एक्स्ट्रा भी खलबली मचा रहे हैं। नक्कीच, आणि या महत्वपूर्ण गोष्ट जर या फटक्यामध्ये नोट डाऊन करण्याची कोणती असेल तर प्रेमनाथ मेहर यांनी जो चौकार खेचलाय तो विथ द लाईन ऑन दी राईज आणि ऑन दी अप खेळण्याचा प्रयत्न होता। बघा, ज्या वेळेला लेग स्टंप वर चेंडू डिलिव्हर केला जातो तेव्हा एकंदरीत फटका जो आहे तो ऑन ड्राईव्ह, परंतु या डायरेक्ट हिट बघायला मिळालंय। जबरदस्त गोटी नेम आपण पाहतोय आणि जेव्हा ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडूची पिचिंग बघायला मिळते तेव्हा ऑन दी राईज ऑन दी अप। बघा, ग्रामीण क्रिकेटचा एक वीक पॉइंट आपण पाहतो, बरेचसे फलंदाज जे आहेत ते एकंदरीत ऑफ स्टंपच्या बाहेरील जो चेंडू असतो त्याला देखील ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु प्रेमनाथचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की तो विथ द लाईन खेळतोय, अगेन्स्ट द लाईन खेळत नाही आणि म्हणून जबरदस्त कव्हर ड्राईव्ह आणि ऑन ड्राईव्हचे फटके त्याच्या बॅटमधून यशस्वी होत आहेत। सबसे कठीण बात होती जेव्हा शबल हो जाते ना तो उसके बाद में ऑफ ड्राईव्ह करना, तो इनका पैर बिल्कुल चला गया था ऑफ स्टंप के बाहर लेकिन जल्दी इन्होंने भाप लिया था। एक बार वाइड यॉर्कर है, बहुत अच्छी तरह से इस गेंद को खेल दिया था, उसके बाद में स्टंप के अंदर फिनिश करने का प्रयास किया गया था दर्शन की तरफ से। इस ओवर की अगली गेंद, ओ टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा हो रहा है, हरकत कर रहे हैं, मतलब एक बार गेंद के ऊपर उंगलियां फेरते हुए, यहाँ सोच अच्छी थी लेकिन टिप्पा मिडल स्टंप पर था, वहां से गेंद थोड़ी सी शरारत करते हुए लेग स्टंप के बाहर जा रही है। रन संख्या 13 रन, मिस्टर एक्स्ट्रा थोड़ा खलबली मचा रहे हैं। 6 पर प्रेम है, योगेश यहाँ से अगर 4 पर है, 3 मिस्टर एक्स्ट्रा है इस ओवर में। 13 धावा फुलका पर,
पाचवा चेंडू घेऊन गोलंदाज दर्शन तांडेल राइट आर्म ओवर द विकेट आपण पाहतोय। ओहो चेंडू पडल्यानंतर सबमरीन जणू काही प्रशांतजी या 22 रनच्या खेळपट्टी मधून आता पान बुडीने प्रवास करावा अशा प्रकारचा हा चेंडू होता। फ्लाइट मिळालेलीच नाहीये आणि अनपेक्षित बाउंस न मिळाल्या कारणाने निर्धाव स्वरूपातील चेंडू आपण पाहतोय। 5 चेंडूंचा खेळ जो समाप्त अखेर झालाय आणि 13 धावा या फलकावर। एक अच्छा ओवर भी है जिसमें कुछ अच्छी गेंदे आई। अभी देखिए क्या हुआ, गति परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे थोड़ा बैकफुट पर, इसीलिए एक बार फिर वो फंस गए। तेज गेंद थी, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया, एक बार फिर गेंद को पूछ भी किया गया था। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा, ओहो रूम बनाकर सुंदर तरीके से खेलते हुए पॉइंट के ऊपर सेकेंड पॉइंट के तरफ जाते हुए जगह बनती नहीं बनानी पड़ती है। सुंदर तरीके से स्ट्रोक इस पग बल्लेबाज की तरफ से। अभी तक अगर देखें तो 131 चौके आए हैं, क्या एक बार फिर रन बन रहे हैं। ये खास करके गुड शॉट का बॉल है ना, बहुत सारे गुड शॉट आ रहे हैं इस वक्त। जबरदस्त बल्लेबाजी, पहले ओवर में 17 रन बगैर किसी नुकसान के, जिसमें योगेश का योगदान 4 का है। प्रेम 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 प्रेम, ये देखिए थोड़ा पीछे चले गए, हटकर सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए ऑफ्रेम के बाहर थोड़ी आगे वाली लेंथ थी, भाप लिया था, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया। दर्शनीय स्ट्रोक और पहले ओवर में फ्लाइंग स्टार्ट होता हुआ रोहिदास 11 टीम के लिए। तब्बल 17 धावा या पहिल्या षटकात। एक गोलंदाज होता ज्याचा 17 तारखेला जन्म झाला, 17 एप्रिल 1972 मध्ये मुथैया मुरलीधरन, ज्याने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये तब्बल 1300 पेक्षा जास्त विकेट्स घेऊन दाखवले। तर दुसऱ्या साईडने हा गोलंदाज पहिल्या षटकात अत्यंत महागडा बघायला मिळालाय। झकास सुरुवात, झोकात सुरुवात, जोमात सुरुवात, 17 धावा या स्कोर कार्डवरती आपण पाहतोय। पुन्हा एकदा चापेवाडी चषक आयोजकांसाठी जोरदार टायांचा गजर येऊ द्या। पहिल्या प्रयत्नात पहिल्या दिवसात 40,000 ते 50,000 व्ह्यूअर्स हे मिळालेले आहेत, कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे। ब्रँड बनत चाललाय या स्पर्धेला, मात्र रसिक मायबाप प्रेक्षक वर्गांचा उदंड आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद, जबरदस्त मॅनेजमेंट बघायला मिळाले। 17 धावा फलकावर आणि प्रेमनाथ मेहरचं विशेष कौतुक करेन, त्याने 2 कव्हर ड्राईव्हचे फटके खेळले विथ द लाईन ऑन द राईज ऑन द अप, जबरदस्त। आणि बॅटचा जो एकंदरीत स्विंग आहे तो एकदम फ्लो मध्ये बघायला मिळालाय, आउटस्टँडिंग बॅटिंग आपण पाहतोय। यावेळेस एक बार फिर देखे कमाल की बल्लेबाजी, एक तरफ ये बल्लेबाज जो कर रहे हैं हटकर खेल रहे हैं, रूम बनाकर खेल रहे हैं, रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, इनके पिटारे में जितने सारे शॉट है वो खेल रहे हैं। अब जाकर दबाव गेम चेंजर मिनेश के ऊपर है। अब देखिए टी शर्ट का रंग बदला, इसका मतलब ये जो खिलाड़ी है इससे पहले गेम चेंजर खिलाड़ी। ये रिवर्स स्वीप भी देखे, सुंदर तरीके से टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, पहले से पोजिशन बना के इस गेंद को खेल दिया था। इस चौके के साथ आगाज अच्छा होता हुआ इस ओवर में। ओहो या वेळेला फलंदाज शफल जरूर झाला, परंतु चेंडू आणि फळीचा व्यवस्थित संपर्क होत नाहीये। ज्या फटक्याची अपेक्षा होती थोडीशी घाई अतिघाई संकटात नाही असं म्हटलं जातं, आणि क्रिकेटमध्ये म्हणतात ना सही बल्लेबाज वही होता है जो टायमिंग के साथ क्रिकेट खेळता है, आणि यावेळेला टायमिंगची थोडीशी कमतरता। ओहो हा फलंदाज आजच्या दिवसामध्ये रिव्हर्स स्वीप आणि स्वीप हिटचा बेताज बादशाह कोण असेल तर योगेश नरेश वैती वाढीव गावचा सुवर्ण हिरा। आजच्या दिवसामध्ये सर्वात जास्त रिव्हर्स स्वीपचे अटेम्प्ट त्याने केलेत, आणि जेवढे अटेम्प्ट त्याने केलेत तेवढ्या अटेम्प्टमध्ये तो यशस्वी देखील झालाय, हे मात्र सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आहे। आणि अशा प्रकारचे फटके जर खेळायचे असतील ना प्रशांतजी, तर 2 गोष्टी, खूप जास्त सराव आणि प्रचंड आत्मविश्वास। बिलकुल स्पष्ट एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज योगेश बारपर। ऑफ्रेम के बाहर फुल टॉस गेंद थी, इस वक्त नो बॉल का इशारा अंपायर कर रहे हैं। कमर के ऊपर गेंद, ज्यादा आगे डालने की कोशिश, वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे, नो बॉल का इशारा फिलहाल अंपायर की तरफ से होता हुआ। रन संख्या इसी के साथ मिस्टर एस्टा कलमनी मचा रहे हैं और दबाव पूरी तरह से गेंदबाजी के ऊपर। टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया है और पहले ओवर में बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, उसके बाद में ये गति परिवर्तन है, गति परिवर्तन है दीपेश, इसको क्या कहेंगे। जिस तरह से ये गेंद आई थी इस पर बल्लेबाज तैयार नहीं थे, बल्लेबाज तैयार नहीं थे, गेंद इतनी अच्छी नहीं थी कि कितनी छोटी गेंद है आराम से खेल सकते थे, लेकिन माइंडसेट अच्छा नहीं था बल्लेबाज का। प्रशांत जी हे म्हणजे असं झालं, अभ्यास केला गणित या विषयाचा आणि पेपर आला इंग्रजी विषयाचा। फलंदाजाने एकंदरीत असा विचार केला की हा चेंडू फास्ट असेल, परंतु अत्यंत धीम्या गतीने हा चेंडू होता, आणि ज्या विषयाचा अभ्यास केला तो पेपर आलाच नाही। यावेळेला डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न, फटका, फर्स्ट लाईट स्टार क्षेत्ररक्षक या वेळेला चुकी करणार नाहीये, गुड कॅच ऑफ क्वालिटी। दर्शन तांडेलला आपण पाहतोय फलंदाज बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए मिनेश, इसीलिए एक बार फिर देखे और एक ऐसे खिलाड़ी है वो भी कलरफुल है
दो खिलाड़ी मैं अंदर देख रहा हूँ एक बार फिर 4-6 4-6, इसका मतलब ये मैन ऑफ द मैच बने हुए हैं। अब नंबर एक बार फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विकेट गिराए तो इसका मतलब तीसरे नंबर पर और एक बल्लेबाज आएगा ओंकार, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए रन भी बनाए, गेम चेंजर खिलाड़ी मैदान के अंदर है। मिनेश प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। 26 पर लॉस ऑफ वन विकेट और रोहिदास 11 के उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका। बल्लेबाज योगेश वैती बैक टू द पैवेलियन जाते हुए, इनके बल्ले से तीन चौके आए थे, लग रहा था कि एक बड़ी पारी खेलेंगे, उसी वक्त विकेट गिरा है। मिनेश को कमबैक करने की जरूरत थी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा कर, अभी तक 9 रन खर्च किए इन्होंने। ज्यादा तारीफ हुई तो इनको अच्छा नहीं लगा, काफी ऑफ फ्रेम के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा, अभी भी मैं कह रहा हूं दीपेश, इस मैच में जो मिस्टर एक्स्ट्रा आए हैं बाद में आपको परेशान कर सकते हैं 27 एक विकेट के नुकसान पर। नक्कीच आणि सर्वात महत्वपूर्ण गोष्ट ही आहे की हा सामना केवल 4 षटकांचा आहे आणि त्या अनुषंगाने मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल। षटक जर आपण पाहिले तर आतापर्यंत 2 षटकांचा खेळ हा परिपूर्ण झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर 27 धावा रोहिदास 11 या संघाच्या माध्यमातून फलकावरती बघायला मिळत आहेत। संध्याकाळचं सत्र कचाकच प्रेक्षकांनी भरलेलं मैदान, श्रीकृष्ण क्रीडा मंडळ प्रेझेंट चाफेवाडी चषक 2022 टेनिस क्रिकेटचा महाथरार महासंग्राम क्रिकेटचा नेत्रदीपक नेत्रलोचक नयन मनोहरी सोहळा तुम्हा सर्वांच्या नजरेसमोर। 27 चा आकडा खरं तर आपण विचार केला तर महत्वपूर्ण ठरला तो न्यूझीलंड संघासाठी, कारण 27 जानेवारी 1979 हा जन्मदिवस आहे डॅनियल ल्युका विटोरी आणि हा असा एकमेव गोलंदाज आहे रिचर्ड हॅडली नंतर ज्याने 300 पेक्षा जास्त फलंदाजांना बाद करून दाखवलं कसोटी क्रिकेटच्या हिस्ट्रीमध्ये एक फिरकी पटू म्हणून। आणि आता तशीच काहीशी आवश्यकता आहे ती एकंदरीत कोरे संघाला कमबॅक करण्यासाठी, कारण पहिल्या 12 चेंडूत प्रशांतजी 27 धावा। देखिए इस रफ्तार के साथ जाएंगे तो 54 रन बन सकते हैं जो प्रोजेक्टेड स्कोर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ओहो अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी है ले लिया कैच और बल्लेबाज ओंकार बैक टू द पैवेलियन जाते हैं। रोहन जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनको विकेट मिला है, दूसरे विकेट का पतन। रोहिदास 11 टीम के उम्मीदों का लगता हुआ सबसे बड़ा झटका है, शरीर के करीब जरूर खेले थे लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद था, थोड़ा सा एलिवेशन कम हुआ और इसके कारण एक अच्छा कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया और बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है इस वक्त, अच्छी फील्डिंग करते। देखिए क्या हुआ था, क्रीज के कोने का थोड़ा सा इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद, मिड विकेट पर खिलाड़ी यहाँ मौजूद है और कुणाल ने अच्छा कैच पकड़ा है। 27 पर 2, अब 54 के बारे में हम सोच रहे हैं, 55 के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन अगर बीच में गेंदबाज स्पीड ब्रेकर लगाएंगे विकेट लेते रहेंगे तो एक बार फिर यहाँ से स्कोर जो है 45 की तरफ भी आ सकता है। नक्कीच आणि महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे 27 धावा फलकावर, परंतु जो गोलंदाज आपण पाहतोय रोहन तरे पहिल्या सामन्यात खूप महागडा ठरला होता, परंतु त्यानंतर ज्या प्रकारे त्याने कमबॅक केलाय, प्रशांतजी म्हणतात ना की आयुष्यामध्ये किती वेळा तुम्ही खाली पडता त्याला काहीच महत्व नाहीये, परंतु खाली पडल्यानंतर किती नव्या जोमाने अगदी त्वरित तुम्ही उभे राहता या गोष्टीला फार महत्व आहे। आणि त्या पंक्तीतला हा खेळाडू आहे, पहिल्या सामन्यात त्याच्या एका षटकात 4 षटकार खेचण्यात आले होते, परंतु या आधीच्या सामन्यात तो मॅन ऑफ द मॅच ठरला आणि या सामन्यात देखील विकेट टेकर बनतोय। इस वक्त अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रिदम के साथ गेंदबाजी करते हुए और सही दिशा के साथ सही इलाके में गेंदबाजी करते हुए 27 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा रही, इसीलिए विकेट फैक्टर बहुत बड़ा होता है। टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, 2020 का क्रिकेट हो या इस तरह का टेनिस बॉल का क्रिकेट हो, विकेट जब गिरते हैं ना तो बल्लेबाजों का मनोबल गिरता है, जो रिदम खास करके बल्लेबाजों के पास है, प्रेम को ज़्यादा मौका देने की ज़रूरत है लेकिन संदीप ये नहीं समझ पा रहे। एक बार फिर संदीप को भी एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत, अभी प्रेम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रेम ही स्ट्रगल कर रहे हैं जो एक बार सेट बल्लेबाज है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा वाइड यॉर्कर डालते हुए, लो फुल टॉस गेंद थी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज रोहन दरा, इस ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दीपेश सबसे कठिन बात क्या होती है गेंदबाज के लिए, सेट बल्लेबाज को गेंदबाजी करना और ये अग्नि परीक्षा में रोहन अभी तक पास हुए, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। नक्कीच आणि म्हणतात ना की फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमनंट आणि या त्या उक्तीप्रमाणे गोलंदाजी सुरू आहे। यावेळेला ऑन साईडला खूप छान प्रकारे हा फटका खेळला गेलाय, डीप स्क्वेअर लेग झोनमध्ये क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावला जातोय, बघा काही कमालीचं षटक बघायला मिळालंय, मी कौतुक करेन। रोहन तरे याने जबरदस्त कमबॅक करून दिलाय तो मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय। मोठमोठे साम्राज्य असतात ती नेहमी प्रयत्नांनीच यशस्वी होतात, कारणे देणारे लोक यशस्वी होऊ शकत नाही आणि पहिल्या 2 षटकात सर धावा किती आल्या होत्या तर 27, परंतु या 5 चेंडूत धावा किती आलेल्या आहेत तर 2।
इस वक्त क्या छूटा है देखने वाली बात है। टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ओवर है। इस ओवर में देखिए क्या कहानी रही है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी कर रहे थे, ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास हुक करना चाहते थे, विकेट कीपर जगलर अच्छा बन सकते, ये विकेट कीपर जो है ना वो जगलर अच्छा बन सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार इन्होंने कोशिश की, उसके बावजूद अगर देखें तो गेंद हाथ में नहीं आई है। रन संख्या फिलहाल 29 रन, दो विकेट के नुकसान पर तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर में ज्यादा एक बार फिर आजादी नहीं थी, जबरदस्त गेंदबाजी रोहन द्वारा, एक ओवर इन्होंने डाला, दो ओवर जो कि रन दिए और उसके साथ एक शिकार इनके नाम पर है। सुपर एक तिखी गेंदबाजी और कंजूसी भरी गेंदबाजी मैदान के अंदर गेंदबाज की तरफ से हुई है। तिसरं षटक गोलंदाजाच्या नावावरती राहिलंय, परंतु आता शेवटचं अंतिम स्लॉग हाणा मारीचं षटक। प्रशांतजी म्हणतात ना की शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी खूप साहस लागतं, आणि हे साहस तुम्ही प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड नाही करू शकत, ते तुमच्यामध्ये जन्म जात असावे लागते। आणि या वेळेला विकास तरेच्या माध्यमातून काही जबरदस्त गोलंदाजी, तर दुसऱ्या साईडने आजच्या दिवसातील सर्वाधिक यशस्वी क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय, उदय तांडेल मॅन फ्रॉम कोरे, हा क्षेत्ररक्षक बघा आजच्या संपूर्ण दिवसात एकही झेल सोडलेला नाहीये। तो इस तरह के खिलाड़ी आपके टीम में होने चाहिए, तब जाकर गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। विकास तरह शुरुआत बहुत अच्छी है, एक बार फिर ऑन दी अप गेंद को खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद जो कि नीचे रही है, ज्यादा एक बार फिर बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है और ज्यादा ऊपर जाती हुई गेंद, सुंदर कैच। एक बार उदय इस वक्त है जिन्होंने बहुत अच्छा कैच से लपका है। प्रेम 11 पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों का सामना करते हुए, और एक तरफ बल्लेबाज हेमंत बैक टू द पैवेलियन जा रहे हैं, लेकिन एक गेंद पर सबसे बड़ी बात है दीपेश, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। चौथे ओवर का खेल है, निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चल रहा है, विकास तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद हवा में खेलते हुए मिस टाइम स्ट्रोक है, कॉन्सेंट्रेशन में बिल्कुल कमी आई है। तीन खिलाड़ी है, चार खिलाड़ी है, एक पूल चार माली है। अब देखिए एक बार ये तेरी मेरी कर रहे हैं, ना तेरी ना मेरी, अभी देखिए बीच में गेंद गिरी है। सवाल अब देखिए आपने जीवन दर किसको दिया है, प्रेम को दिया है जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया है, पिछले चार पांच गेंदों में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपने मौका दिया है, मौके का फायदा उठा सकते हैं क्या खिलाड़ी, बहुत खतरनाक है। नक्कीच सर, म्हणतात ना 5-50 आचारी आणि वर्णामध्ये मीठ बारी, तशी काहीशी अवस्था बघायला मिळाली। चार क्षेत्ररक्षक चेंडूचा मागोवा घेत होते, परंतु चेंडू कलेक्ट करण्यामध्ये अपयश, म्हणूनच ज्या प्रकारे फलंदाज मैदानाच्या आतने धावत असतात तशाच प्रकारे जेव्हा क्षेत्ररक्षक हवेमध्ये झेल असतो त्यावेळेला कॉल करणं फार आवश्यक आहे, हा झेल माझा नाहीये, हा झेल तुझा आहे, तू पुढे ये, अशा प्रकारे कॉल करावे लागतात, अन्यथा झेल सुटण्याचा कृती कार्यक्रम हा मोठ्या प्रमाणावरती पाहायला मिळतोय। खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, ऑन साईडला खेळला गेलाय, उदय तांडेल फार वेगाने चेंडूचा मागोवा घेतोय, बघा क्वालिटी दर्जाचा क्षेत्ररक्षक कसा असावा हे पुन्हा एकदा दाखवून देण्याचं कार्य। चेंडूंचा खेळ जर आपण पाहिला तर शेवटच्या षटकामधील तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त अखेर झालाय आणि 32 धावा फलकावर तीन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। और दिपेश दो बार एक बार फिर सही ढंग से खेलना होगा, दो गेंदे अगर बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है तो एक बार फिर वो फाइटिंग टोटल हो सकता है। नहीं 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 नहीं, गेंद एक बार फिर बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है और थोड़ा शरीर से दूर खेलते हुए लेग बाय का इशारा कल्याणी कोरपड़े कर रहे हैं। रन संख्या 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी मुझे नहीं लग रहा है प्रेम दूसरी गेंद की तरफ आएंगे, आने वाली दो गेंदे हैं, दो गेंदों पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। विकास ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन विकास की तरफ से। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज प्रेम, 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना करते हुए। इस ओवर की अगली गेंद, नहीं खराब शॉट, टिप्पा देखिए खाने के बाद गेंद नीचे रहते हुए दीपेश काफी ऑफ फ्रेम के बाहर चले गए थे। पिछले 6-7 गेंदों में कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है। प्रेम जिन्होंने फ्लाइंग स्टार्ट किया था, अब देखिए आंकड़े हुआ, एक बार फिर देखिए 12 गेंदों में 14 रन बनाए। इससे पहले स्टार्ट अच्छा था, स्ट्राइक रेट अच्छा था, स्ट्राइक रेट गिरता हुआ इनका। नक्कीच, आणि पहिल्या 12 चेंडूत धावा झाल्या होत्या 27, तदनंतरच्या 12 चेंडूंचा विचार जर आपण केला मित्रांनो आणि खेळाडूंनो, तर शेवटच्या 12 चेंडूंमध्ये जो धावांचा आलेख खूपच घटला गेलाय, केवळ आणि केवळ शेवटच्या 12 चेंडूंमध्ये 8 धावा या बघायला मिळालेल्या आहेत। बघा जबरदस्त, पहिल्या 2 षटकांमध्ये जणू काही नवी मुंबईतल्या उंच इमारती आपण पाहिल्या आणि तदनंतरच्या 2 षटकांमध्ये धारावीच्या झोपडपट्ट्यांचं दर्शन, हे आपल्याला धावांच्या ग्राफ्टमध्ये उंच सखलपणा अनुभवायला मिळाला आहे। आता 4 षटकांचा खेळ समाप्ती अखेर होतोय आणि या 35 धावा फलकावर 36 धावांचं टार्गेट समोर आहे, परंतु प्रशांतजी एकंदरीत उजव्या हाताच्या फलंदाजांसाठी अजून देखील हवेचा झोत सुरू आहे। संध्याकाळचं सत्र दमट वातावरण, बैड लाइट, काय म्हणाल? ये तो बात है, लेकिन फिलहाल इस मैच को जीतना है तो मंत्र एक ही है, विकेट।
क्योंकि टोटल आपके पास ज्यादा नहीं है, आपके पास 35 रनों का टोटल बना हुआ है आणि आपण जेव्हा शाळेत जातो तेव्हा 35 मिळाल्यानंतर कधीच खुश नसतो आणि त्या काठावरती आपण आहोत। 35 आणि 36 हे समीकरण 24 चेंडूमध्ये फार मोठं नाही आहे, परंतु हा जर सामना जिंकायचा असेल तर निश्चित तुम्हाला विकेटच वाचू शकतील। आता हवा आहे, परंतु पहिल्या इनिंगला त्याच्यापेक्षा जोरात हवा होती, त्यापेक्षा या इनिंगला कमी असेल, गोलंदाजाची हवा होते का ती बघणं फार गरजेचं असेल। दर्शन एक षटक टाकले, 16 धाबा दिले आहेत, त्याला विकेट मिळाले आहे। मिनेशनं एक षटक टाकले, त्यानं 10 धाबा खर्च केला, एक गडी तो बाद करतोय, परंतु रोहन आणि विकासनं जी भागीदारी बनवली ना त्या भागीदारीचा फायदा मिळाला। रोहनचं एक षटक, त्यामध्ये 2 धाबा दिले आहेत, 1 मोरा घरात करतोय, अप्रतिम गोलंदाजी केली, 4 चेंडू डॉट टाकलेत, विकासच्या एका षटकात फक्त 5 धाबा आल्यात, दोघांनी मिळून 7 धाबा दिले आहेत आणि 2 मोरे घरात केलेत, 7 चेंडू डॉट टाकलेत। आणि हे डॉट चेंडू आहेत ना, ते अतिशय महत्त्वाचे असतील। आणि विकेट कुठल्या प्रकारच्या धाबा देण्याकरता जी मुभा होती ती मुभा दिली नाही, संधी दिली नाही, एक्स्ट्रा 6 आहेत इथे आपण बघू शकता। धावपळकावरती 4 षटकानंतर 35 धाबा आहेत आणि आता बघूया ऑन स्क्रीन समीकरण काय असेल। 24 चेंडू असतील आणि जिंकण्यासाठी 36 धाबांचं आव्हान आहे। आणि म्हणूनच म्हटलं गेलंय जे हाफ मॅच समरीचं अनालिसिस आपण पाहिलं, त्या हाफ मॅच समरीवरून एक गोष्ट शिकण्यासारखी आहे की फक्त भागीदारी जी आहे ती फलंदाजांमध्ये नव्हे तर कधी कधी गोलंदाजांमध्ये देखील भागीदारी आवश्यक असते। इंग्लंड संघासाठी आपण स्टुअर्ट ब्रॉड आणि जेम्स अँडरसन यांना ज्या प्रकारे पाहिलं अगदी तशा प्रकारे या सामन्यामध्ये रोहन तरे आणि दुसऱ्या साईडने मिस्टर विकास सतरेश, दोन खेळाडू ज्यांनी पूर्णपणे सामन्याला आपल्या बाजूने खेचून आणण्याची क्षमता। आणि म्हणूनच भागीदारी फक्त फलंदाजांमध्ये आवश्यक नाहीये तर गोलंदाजांमध्ये देखील भागीदारी होत असते आणि ती भागीदारी या सामन्यामध्ये प्रात्यक्षिक स्वरूपामध्ये आपण पाहिलंय। टार्गेट जर आपण पाहिलं निर्धारित 4 षटकांमध्ये ॲक्युरेट 36 9 सरासरीने खेळायचं आहे। सलामीवीर दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये एका साईडने आपण पाहू शकतोय रोहन तरे मॅन इन ब्लॅक आपण पाहतोय, तर दुसऱ्या साईडने सकाळच्या सत्रामधील मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला खेळाडू मिस्टर जितेन तरे, असे दोन खेळाडू सज्ज झालेले आहेत। एकंदरीत चेंडू जर आपण पाहिले तर 24 आणि 24 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 36 धावांचं टार्गेट समोर, 9 सरासरीने धावा गोळा करणं अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य बनलंय। सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात होते, पहिलं षटक हाताळण्यासाठी अत्यंत अनुभवी गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर कृष्णा राऊतला आपण पाहतोय या पहिल्या षटकामध्ये। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ना राउत प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। बल्लेबाज मैदान के अंदर रोहन तरे और जीतन तरे हैं। इस वक्त फील्डिंग देखे, पावर प्ले का पहला ओवर, एक ही पावर प्ले होगा क्योंकि 4 ओवर का मैच है। ऑफ साइड पर फिलहाल फ्लाइंग स्लिप एक गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और जाकिर खान इशारा करते हुए ऑल राइट ऑल सेट लेट्स प्ले। फर्स्ट बॉल फ्रॉम कृष्णा राउत, रोहन ऑन स्ट्राइक, ऑन साइड पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, टॉस गेंद हवा में है, खिलाड़ी बहुत दूर है और करीब भी चले गए थे, करीब चले गए थे, उसके बाद में गेंद को एक बार फिर नहीं पकड़ पाए, इस कैच को नहीं पकड़ पाए। ये मंत्र एक ही रहेगा बल्लेबाजों के लिए, मंत्र रहेगा क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो एवर विकेट। दूसरी तरफ से विकेट चाहिए, कृष्णा राउत को विकेट चाहिए इस वक्त, खास करके रोहित दास इलेवन को, तभी खास करके द्वारका माई के लिए, द्वारका माई के लिए विकेट की जरूरत है। विकेट मिलेगा तब वापस आएंगे, नहीं तो ये मैच बनाना इतना आसान नहीं है। प्रेमनाथ मेहर याचा कॉल खूप चांगला होता, परंतु त्या कॉलची परिपूर्तता करता आलेली नाहीये, कॅच ड्रॉप झालाय। या वेळेला स्क्वेअर ऑफ द विकेटचा फटका, चेंडू मात्र फार वेगाने सुसाट अति द्रुत गतीने निघून चाललाय सीमा रेषेच्या अगदीच पलीकडे, हा चेंडू निघून जाईल का हे क्वेश्चन मार्क निर्माण झालाय। खूप चांगल्या प्रकारे आपण पाहू शकतायत त्या ठिकाणी प्रयत्न बघायला मिळाले योगेश नरेश वैद्य यांच्या माध्यमातून, परंतु हा ना करता करता या वेळेला जर आपण पाहिलं तर स्कोर कार्ड वृद्धिंगत होत असताना 3 धावांच्या माध्यमातून, एक नाही दोन नाही तर 3 धावा या पळून काढण्यामध्ये दोन्ही सुद्धा फलंदाज यशस्वी। 1998 आपण पाहिलं होतं सौरव गांगुली आणि आपल्या षटकामध्ये 100 पैकी 94 धावा पळून काढल्या होत्या आणि यावेळेला फलंदाजांनी 3 धावा पळून काढल्या, 4 धावा फलकावर। रोहितास इलेवन की टीम भी एक सक्षम टीम है, मजा आएगा इस मुकाबले में। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, इस पर खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात है और छोड़ दिया कैच। आज उन्होंने शपथ ली है सब कुछ पकड़ेंगे लेकिन कैच नहीं पकड़ेंगे। पहली बार देखे, यहां भी एक मौका था ऑन साइड पर, अभी एक बार फिर ये गोदी में गेंद थी, आसान कैच था, गेंद के करीब चले गए थे।
अगर आप कैच नहीं पकड़ेंगे तो मैच भी नहीं पकड़ेंगे। 21 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 30 रनों की तरह शॉट खराब था, कदम का इस्तेमाल किया था, टप्पा खाने के बाद उछल जाता था और लॉन्ग आउट पर खिलाड़ी ने एक आसान कैच को छोड़ दिया है। और एक बार फिर कैच छोड़ेंगे तो रोहित शर्मा एक बार फिर आपको मालूम है 5 पर कैच छोड़ा था, उसके बाद में 264 रन आए थे 6 रन बगैर किसी नुकसान के। राइट आर्म ओवर द विकेट कृष्णा, अब हमें गेंद है सुंदर तरीके से खेलते हुए पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई आउटफील्ड सुपर पास। किस्मत आपको मौका देती है, मेहनत आपको चौका देती है, फिलहाल आपने मौका दिया, बल्लेबाज ने इसका फायदा उठाया। शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर, रोहित दास 11 की टीम भी तगड़ी टीम है लेकिन इस पर कोरे 11 अपने पन्ने को कोरा नहीं रख रहे हैं। देखिए बैकफुट पर जाके सुंदर तरीके से खुद के लिए जगह बनाते हुए पॉइंट के ऊपर से लाजवाब स्ट्रोक है बल्लेबाज की तरफ से। रोहन का बल्ला बोल रहा है पहले गेंदबाजी में सरदार, उसके बाद में बल्लेबाजों में सरदार। नक्कीच आणि या जबरदस्त प्रदर्शन आहे, अष्टपैलू नेतृत्व कसं असावं याचं एक अग्रगण्य उदाहरण। फलंदाज रोहनच्या माध्यमातून यावेळेला फटका मात्र जरूर फसला गेला, ऑन साइडला चेंडू निघून जातोय या ऍक्युरेट डीप मिड विकेट झोन क्षेत्ररक्षक एका साईडने अमर तर दुसऱ्या साईडने योगेश असे दोन्ही सुद्धा खेळाडू पुढे सरसावलेले आहेत। आणि स्कोर कार्ड जर आपण तपासून पाहिलं फलकावरती फ्लाय होते ते एकंदरीत जाऊन पोहोचते 5 चेंडूंच्या समाप्ती अखेर 11 धावा या फलकावर 11 रन्स ऑन टू दी स्कोर कार्ड बघायला मिळालेत। प्रशांत जाधवडे यावेळेला कदाचित 12 खेळाडू आहेत मैदानाच्या आतमध्ये, जर तुम्ही नीट निरीक्षण केलं तर तुम्हाला 12 खेळाडू बघायला मिळतील आणि 12व्या खेळाडूने व्यत्यय आणलाय तो 11 खेळाडूंच्या खेळामध्ये असं दृश्य आपण अनुभवलं। पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या गोलंदाजी मार्कवर मिस्टर कृष्णा राऊत सज्ज होतोय। हो यावेळेस मात्र याला म्हणतात रचनात्मक फटका, अब्राहम बेंजामिन डिव्हिलियर्स कॉपी बुक स्टाईल ने चेंडू निघून गेलाय सीमा रेषापार, हा अत्यंत उपयुक्त यावेळेला मात्र चौकार आलाय आणि 4 धावांसहित संघ जर आपण पाहिला तर स्कोर कार्डवर जाऊन पोहोचतोय 15 धावसंख्येवर। आता सामन्याचं समीकरण 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 21 धावांचं टार्गेट हे समोर पाहायला मिळते। बॉल डालने से पहिले देखील इनका ट्रिगर मुवमेंट क्या था, ट्रिगर मुवमेंट ये था कि वो 5वीं स्टंप की तरफ या 6ठी स्टंप की तरफ आए थे, तो उसके बावजूद देखिए टेलीग्राम मिल गया था, गेंदबाज को टेलीग्राम भी मिला लेकिन कुछ फायदा नहीं उठा पाए और क्या खेलने वाले इसका भी पता चला, उसके बावजूद कृष्णा जो है ना अपने दिमाग के बत्ती को नहीं जला पाए और गति का इस्तेमाल किया बहुत सुंदर तरीके से। रोहन और जितेंद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा और पहले ओवर में आए 15 रन, शानदार बल्लेबाजी की है। करंट रेटेड 15 का, रिक्वायर रेटेड अगर देखे तो थोड़ा नीचे आता हुआ, साझेदारी 15 की बनी है, 6 गेंदों में गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ नयन के लिए। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल, उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा जाता है। अगर ये मैच आपको बचाना है तो सही वक्त पर विकेट लेना होगा और एक विकेट से नहीं, आपको गुच्छे में विकेट लेने होंगे तभी जाकर आप कमबैक करेंगे, नहीं तो ये मैच आसान नहीं है खास करके फील्डिंग करने वाले टीम के लिए। सर्वात महत्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे आतापर्यंत एक देखील गडी बाद झालेला नाही आणि त्या अनुषंगाने हा सामना फसला गेलाय, परंतु या वेळेला बघा हा पहिला डब्ल्यू या वेळेला परिपूर्ण केला गेला। यष्टी रक्षक आपण पाहू शकतायत मिस्टर हरित चौधरीच्या माध्यमातून गुड कॅच, पहिला विकेट बॅक टू द डगआउट। और हरीश चौधरी इन्होंने बहुत ही जबरदस्त कॅच लिया, थोडा सा परेशान थे, कमर में थोड़ी सी मोच भी आई थी। देखिए अगर ये रिप्ले दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अभी 17 गेंदों का खेल है, 21 रनों की जरूरत है। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, थोड़ा सा आगे आए थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पुल करने का प्रयास किया गया लेकिन ये देखिए थोड़ी सी समस्या इनके लिए थी, लेकिन इस वक्त कैच लेना बहुत जरूरी था क्योंकि बाकी खिलाड़ी ने परेशान किया था, कैच छोड़े थे, अब जाकर दबाव फिलहाल बल्लेबाजों की तरफ जाएगा। नयन इस वक्त अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, रोहित दास 11 की टीम में महीने पहले का, ये भी एक सक्षम टीम है, दावेदारी पेश करने वाली टीम है, इनको कहना होगा हम उम्मीदवार नहीं दावेदार है। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद नयन की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गोलंदाज पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर, ऑन साइडला पुलचा फटका, चेंडू फेकून देण्याचं कार्य आउट ऑफ द पार्क, अत्यंत निर्णायक षटकार बघायला मिळालाय। बघा सामन्याला या 6 धावांनिशी पूर्णपणे कलाटणे आणि स्कोर कार्ड जर आपण पाहिलं तर फलकावर तब्बल जाऊन पोहोचते 21-21 या धाव संख्येवरती आपण पाहतोय आणि जोश जल्लोष आनंद ओसांडून वाहतोय तो डगआउट मध्ये। कोरे 11 या संघाच्या डगआउट मध्ये आनंदाचं आणि चैतन्याचं वातावरण हे बघायला मिळालंय। 21 रन्स ऑन टू दी स्कोर कार्ड, तीर कमान से निकल चुका है, इस वक्त दबाव पूरी तरह से गेंदबाज की तरफ जाता। पहली गेंद बहुत अच्छी थी, लेंथ अच्छी थी, दिशा पर कंट्रोल था, अभी एक बार फिर यह दिशाहीन गेंद थी, इसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने।
ये थोड़ा ज्यादा हो गया बल्लेबाज की तरफ से और इसकी कोई जरूरत नहीं है। और दीपेश देखिए सीधी उंगली से घी निकल रहा है, उंगली को टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अंपायर की तरफ से लेग बाय का इशारा बिल्कुल हो रहा है। 15 गेंदों का खेल से 14 रनों की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है और एक विकेट चाहिए तभी जाकर आप वापस आएंगे, और कुछ अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। मतलब आपको वो वेबसाइट बनानी पड़ेगी .www वाली, एक बार फिर वेबसाइट बनाएंगे ना तो मैच में वापस आएंगे, कमबैक करने का मौका मिल सकता है गेंदबाजों को। www आणि .. अशा प्रकारे मात्र तुम्हाला वेबसाइट बनवावीच लागेल। आता 15 चेंडू आणि 14 धावा सामन्याचं समीकरण आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाज मिस्टर नयन आपल्या गोलंदाजी मार्कवर ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न जरूर आपण पाहतोय। चेंडू फार वेगाने निघून चाललाय। मिस्टर ओम वैती त्या ठिकाणी पुढे सरसावतोय। ओमकारला आपण पाहू शकतायत, खूप छान प्रकारे चेंडूला स्टॉप केले गेले। येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 14 आणि धावा हवे आहेत 13। यष्टीरक्षकाला बघा तुम्ही, हरी चौधरी जो पूर्णपणे इंजरीने त्रस्त आहे। घरी जर आईने सांगितलं ना की जा बाबा एकंदरीत गिरणीवरती जाऊन पीठ घेऊ नये, तर आईला सांगतील माझे हात दुखतात, पाय दुखतात, सर्व काही दुखतंय। परंतु क्रिकेटमध्ये कंबर दुखेल, हात दुखेल, पाय दुखेल, परंतु खेळाडू क्रिकेट सोडणार नाही, असं हे क्रिकेटचं फीवर आहे। या वेळेला पुन्हा एकदा एक धाव घेण्याच्या मोहामध्ये, ओ हो हे काय घडलंय, दो टांगो के बीच में से निकलती हुई गेंद, दैव देते परंतु कर्म नेते आणि सामन्याला पूर्णपणे कलाटणी। यस 5 धावा पंचांनी दर्शवलेल्या आहेत आणि या 5 धावा मला तर आता विश्वचषक 2019 आठवला। अशाच प्रकारचं दृश्य घडलं होतं, जो बेन स्टोकच्या बॅटला चेंडू लागला आणि सरळ सीमारेषा पलीकडे गेला आणि खऱ्या अर्थाने त्यानंतर सुपर ओव्हरचा सामना अनुभवायला मिळाला। अगदी तशा प्रकारचं हे दृश्य, पूर्णपणे सामन्याला कलाटणी या 5 धावांसहित, कारण आता 13 चेंडू आणि 8 धावा हे सामन्याचं समीकरण बनलंय। और कैमरा बैक बहुत अच्छा है, जिस तरह से ये सारी चीजें उनको पकड़ नहीं थी तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो चीजों को पकड़ लिया था। उसके बाद में जबरदस्त स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज उदय मैदान के अंदर टूट पड़े हैं। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ बराबर की पिटाई है और छक्कों का आंकड़ा बिल्कुल 200 की तरफ बढ़ रहा है। शानदार बल्लेबाजी, 12 गेंदों का खेल जैसे 2 रनों की जरूरत है। कोरे 11 के खेमे में मैं हर्ष और उल्लास देख रहा हूं। अब उनको पता चल चुका है कि क्या होने वाला है। जीत की दहली पर है कोरे 11 की टीम, और दूसरी तरफ से रोहिदास 11 की बात करें तो हार के कगार पर है। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय जितेन एंड सुपर बैटिंग, सुपर सपोर्ट बाय उदय, इज प्लेइंग ऑन 7, जितेन प्लेइंग ऑन 18। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन। नक्कीच, आता 12 चेंडू आणि 2 धावा हे सामन्याचं समीकरण। खेळ खल्लास होण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागलाय। गोलंदाज सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर मिस्टर सुनील वैती रोहिदास 11 या संघाच्या माध्यमातून। कालच्या दिवसामध्ये त्रिश 11 बाप्पा मोरिया हा संघ सुपर 5 मध्ये क्वालिफाय, आणि आजच्या दिवसामध्ये खेळ खल्लास सुपर 5 मध्ये कोरे 11 या ऐकूया सेलिब्रेशन मोडवर। आजचा दिवस मात्र येऊन पोहोचलाय, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, खूप खूप अभिनंदन स्पर्धेच्या माध्यमातून। जबरदस्त प्रदर्शन अनुभवायला मिळालं आजच्या संपूर्ण दिवसामध्ये। आपण पाहू शकतायत कोरे 11 या संघाचा दबदबा, कॉम्प्रिहेन्सिव्ह क्रिकेट कसं खेळलं जावं याचं मूर्तिमंत आणि ज्वलंत उदाहरण प्रात्यक्षिक स्वरूपामध्ये आपण पाहतोय। क्लास क्रिकेटचं दर्शन आजच्या संपूर्ण दिवसामध्ये। कोरे 11 संघ सुपर 5 मध्ये क्वालिफाय होतोय, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, खूप खूप अभिनंदन। या आपण मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डकडे वळणार आहोत। प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत प्रशांतजी आदवडे। थँक्यू दीपेश, आपण आज दिवसभर खूप सुंदर असा आवाज दीपेश कांडीचा ऐकलेला आहे आणि यानंतर आता या मॅचमध्ये कोरे 11 संघाचा जो गेम चेंजर खेळाडू त्याचा गौरव